Hey Medicos, so today we are gonna study ascending pathway chapter. इस chapter में हमें पढ़नी है dorsal column pathways और एक है anterolateral system. Anterolateral system में फिर आती हैं दो tracts, एक है anterior spinothalamic tract और एक है lateral spinothalamic tract. तो अब आते हैं dorsal column pathways में. इससे पहले हम पढ़ेंगे थोड़ी सी बेसिक्स, यानी यहाँ पे हमारी CNS में जो है थ्री सेट्स ऑफ न्यूरॉन्स, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन्स सीक्वेंशियली अरेंज्ड होती हैं. तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन्स जो है प्राइमरी एफरेंट न्यूरॉन्स होती हैं, यानी ये जो है रिसेप्टर्स से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाती हैं वाया डॉर्सल रूट, और इनकी सेल बॉडीज DRG में लोकेटेड होती हैं. और स्पाइनल कॉर्ड में एंटर होने के बाद ये टर्मिनेट करते हैं सेकेंड ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन्स में. अब ये सेकेंड ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन्स जो है स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन स्टेम में लोकेटेड होती है. सेकेंड ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन्स जो कि ये ट्रांसमिट करती हैं इम्पल्सिस फ्रॉम वन साइड ऑफ द बॉडी टू द अपोजिट साइड ऑफ द थैलेमस, यानी ये न्यूरॉन्स जो है मिड लाइन क्रॉस करती हैं मेडुला या स्पाइनल कॉर्ड की. अब आते हैं थर्ड ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन्स जो कि थैलेमस के स्पेसिफिक न्यूक्लियाई से ओरिजिनेट करते हैं और ये टर्मिनेट करते हैं सेंसरी कॉर्टेक्स पे. ठीक है, अब थोड़े फोर्थ ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द सेंसरी पाथवेज. ये प्रोजेक्ट करती हैं दूसरी एरियाज ऑफ द ब्रेन, यानी स्पेशली कॉर्टिकल सेंसरी एसोसिएशन एरिया जो कि फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ द सेंसरी इन्फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है. अब आते हैं डॉर्सल कॉलम पाथवे की तरफ. लार्ज माइलिनेटेड फाइबर्स जो कि डॉर्सल कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से एंटर करती है टू रीच मेडुला. दे कैरी सेंसेशन ऑफ फाइन टच, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, टैक्टाइल लोकलाइजेशन, टैक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टीरियोग्नोसिस. हमें स्पेसिफिकली फाइन टच याद रखना होगा क्योंकि क्रूड टच के जो सेंसेशंस होती हैं हमारी एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट कैरी करती हैं. अब ये टैक्टाइल लोकलाइजेशन या डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है, यानी जब व्हेन द पेशेंट क्लोजेस हिज आइज एंड वी टच हिम एनीवेयर ही शुड फील इट और सेंस इट. That where we have touched, so that is called as tactile localization or discrimination. अब ये dorsal column जो fibers होती हैं वो ascend करती है spinal cord की ऊपर की तरफ in the two fasciculi, जो कि gracile fasciculus और एक है cuneate fasciculus. अब आते हैं first order of neuron. जो neurons जो lower extremity और lower part of the trunk से arise करती है वो ascend करती है यानी जाती है gracile fasciculus पे, और जो neurons upper extremity या upper trunk वो जाती है cuneate fasciculus पे. अब gracile fasciculus जो है medially located है in the spinal cord और ये carry करती हैं sensations from hind leg and trunk, और cuneate fasciculus जो है laterally located है और ये transmit impulses from upper limb and upper part of the trunk. अब ये first order of neurons जो है nucleus gracilis और nucleus cuneatus जो कि medulla में located है उस पर terminate करती हैं. Nucleus gracilis and cuneatus दोनों को मिला के हम बोलते हैं dorsal column nuclei. इनसे जो फाइबर्स निकलती हैं वो जो है मिडलाइन क्रॉस करती है और ऊपर की तरफ जाती है टू रीच थैलेमस. थैलेमस में कहाँ, मीडियल लेमिनिस्कस में, और फिर ये सेकेंड ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन्स जो है इम्पल्सेस ट्रांसमिट करती है कॉन्ट्रालैटरल थैलेमस को. ठीक है, अब आते हैं थर्ड ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन्स जो ओरिजिनेट करती हैं VPL न्यूक्लियस जो कि थैलेमस में लोकेटेड होता है. अब ये न्यूरॉन्स जो है सोमैटोसेंसरी एरिया जो कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है वहाँ पे प्रोजेक्ट करती हैं अपनी न्यूरॉन्स को. अब आते हैं एंटीरोलैटरल सिस्टम जो कि दो ट्रैक्ट्स में डिवाइडेड है, एक है एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और एक है लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट. एंटीरियर जो है कैरी सेंसेशन ऑफ क्रूड टच, ठीक है, और लैटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट कैरी सेंसेशन ऑफ पेन एंड टेम्परेचर.
और ये ट्रैक्स जो है डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड से थैलेमस की तरफ जाती हैं, यानी हमने जैसा डॉर्सल कॉलम में देखा था कि स्पाइनल कॉर्ड से मेडुला, मेडुला से फिर थैलेमस की तरफ, ये जो दो ट्रैक्स है डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड से थैलेमस की तरफ जाती है, यानी इनका कोई रिले मेडुला पे नहीं होता है। अब आते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द न्यूरॉन्स पे। ये प्राइमरी एफरेंट फाइबर्स जो है ओरिजिनेट करती है हमारी थर्मोरिसेप्टर्स या मैकेनोरिसेप्टर्स। फिर ये फाइबर्स जो है स्पाइनल कॉर्ड एंटर करती है वाया डॉर्सल रूट, और इनकी सेल बॉडीज अगेन आर प्रेजेंट इन डीआरजी, और फिर इन द स्पाइनल कॉर्ड ये टर्मिनेट करती हैं अपनी सेकेंड ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन्स में। अब आते हैं सेकेंड ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन्स। सेकेंड ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन्स जो है सेम साइड यानी डॉर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे ये इनकी एक्सॉन्स जो है मिडलाइन क्रॉस करती है और ऊपर की तरफ जाती है अपोजिट साइड ऑफ द एंटीरियर लैटरल फ्यूनिकुलस टू रीच द थैलेमस। जो फाइबर्स सेंसेशन ऑफ क्रूड टच कैरी करती है वो जो है हमारी एंटीरियरली प्लेस्ड होती है, तो हम इन्हें बुलाते हैं एंटीरियर और वेंट्रल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। और जो फाइबर्स सेंसेशन ऑफ पेन एंड टेम्परेचर कैरी करती है वो जो है हमारी लैटरली प्रेजेंट होती है, तो हमें बुलाते हैं लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। अब आते हैं थर्ड ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन जो ओरिजिनेट करती हैं हमारी VPL, मिडलाइन एंड इंट्रालैमिनर न्यूक्लियाई जो कि थैलेमस में प्रेजेंट होती हैं, और ये प्रोजेक्ट करती हैं सेंसरी कॉर्टेक्स की स्पेसिफिक एरियाज़ पे। सो दैट्स ऑल गाइस, होप यू अंडरस्टूड इट। इफ़ यू लाइक इट कमेंट एंड शेयर।